गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक में प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सम विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याओं और भिन्नों के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम दो पूर्णांकों को जमा और घटा कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये मैंने यहाँ नंबर लाइन बनाई हुई है जिस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक हैं और बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 वो ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 7 घटा 3 कि 7 में से हमें 3 घटाना है, जो हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और हमें हम सभी को पता है कि भाई 7 में से हम 3 घटाएंगे तो जो आंसर है वो कितना आएगा, 4। लेकिन अगर इसी को हम -3 जमा 7 लिखते हैं, देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि जो पूर्णांकों का जो जोड़ होता है वो सहचर्य होता है कि हम ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं होता। तो वैसे ही 7 घटा 3 4 आएगा, तो 3 जमा 7 ये कितना आएगा। इसको हम 3 तरीकों से सीख सकते हैं। एक तो नंबर लाइन का प्रयोग करके। नंबर लाइन को कैसे प्रयोग करेंगे कि भी -3 में 7 जोड़ना है तो अपनी नंबर लाइन पे ये देखो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा -3 है। अब अगर हमने जमा करना है तो दाईं तरफ से लेंगे और अगर घटा करना है तो संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलेंगे। अब हमारा निशान क्या है यहाँ, प्लस का, तो दाईं तरफ जाना है, कितने स्टेप चलना है, 7। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप चलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, जमा के 4 पर। तो 3 घटा 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। दूसरा हम इसको इस तरह से भी सीख सकते हैं कि भाई ये संख्या घटा की है, ये जमा की है। जमा का मतलब हमारे पास कुछ चीज़ है, जैसे हम रुपए का एग्जांपल लें, प्लस का मतलब कि हमारे पास 7 रुपए हैं, माइनस का मतलब हमने किसी को देने हैं। तो हमारे पास 7 रुपए हैं, हमने 3 रुपए दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास जो है वो प्लस है और जो देना है वो माइनस है। तो -3 जमा 7 कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट है 3 घटा 7, 3 में से 7 घटाना है तो कैसे घटाएंगे 3 में से 7। तो संख्या रेखा से सीखते हैं पहले, 3 ये हमारा यहाँ पर जमा का 3। अब माइनस करना है तो बाईं तरफ चलेंगे, कितने स्टेप चलेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ आ गए हम, यहाँ पे -4 पे। तो 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 हमारा आंसर आएगा। दूसरे तरीके से भाई हमारे पास 3 रुपए हैं और हमने किसी को 7 रुपए देने हैं तो कैसे देंगे हम, 3 रुपए हैं और हमने 7 रुपए किसी को पे करने हैं, देने हैं, तो हम उसको 7 रुपए कैसे देंगे, 3 है हमारे पास तो हम 3 रुपए दे देंगे उसको, कितने देने बचेंगे, 4। तो वो देना बचा हुआ है तो वो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। मतलब 3 रुपए थे हमारे पास, वो हमने उसको दे दिए, अभी कितने रुपये और देने हैं हमने उसको, 4 देने हैं, और देने का मतलब माइनस, तो माइनस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये हम सबको पता है 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। संख्या रेखा से ये भी हम करके देख सकते हैं, जमा का 3 है यहाँ पर, जमा 7 करना है तो दाईं तरफ चलेंगे 7 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है -3 और -7, हमने एक आदमी को 3 रुपए देने हैं, दूसरे को 7 देने हैं, तो कुल कितने रुपए देने हैं हमने, 10 देने का मतलब माइनस। संख्या रेखा से सीखें तो -3 से यहाँ पर है हमारा -3 और -7 मतलब बाईं तरफ चलेंगे 7 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 10। फिर -10 जमा 3, -10 में यहाँ -10 है संख्या रेखा पर, 3 जोड़ना है तो दाईं तरफ चलेंगे 3 स्टेप, 1, 2,
3 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 7। मतलब हमने किसी को 10 रुपये देने हैं और हमारे पास 3 रुपये हैं, तो हमने 3 तो दे दिए उसको, तो कितने देने बचे माइनस का 7। 3 घटा में 10, फिर वही संख्या रेखा का प्रयोग करके आंसर आएगा हमारा कितना माइनस का 7। 10 में से 3 जाएगा, वो सिंपल है, हम बहुत बार कर चुके हैं ये काम। 10 में से 3 जाएगा 7। माइनस 10 माइनस 3, 10 रुपये एक आदमी को देने हैं, 3 रुपये दूसरे को देने हैं, तो कुल कितने रुपये देने हैं हमने माइनस का 13। इसको सीखने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर दोनों संख्याएं एक जैसे निशान की हों, जैसे माइनस का 3 माइनस का 7, माइनस का 3 और माइनस का 7, माइनस का 10 और माइनस का 3, जमा का 3 और जमा का 7, जब दोनों संख्या एक जैसी हों तो हमने जोड़ना है, चाहे निशान घटा का हो चाहे जमा का हो। जब भी दो संख्याएं या दो पूर्णांक एक जैसे निशान के हों तो हमने उनको क्या करना है, जोड़ना है। 7 3 10, 3 और 7 10, 10 और 3 13। निशान कौन सा आएगा, जो निशान उन पूर्णांकों का होगा, या दोनों प्लस के थे तो प्लस का 10 आ गया, या दोनों माइनस के थे तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 10 माइनस 3 तो कितना हो गया माइनस का 13। लेकिन जब निशान अलग अलग हों, एक माइनस की है संख्या और एक प्लस की है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, यहाँ पे ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 10 है, यहाँ पे ये प्लस का 10 और ये माइनस का 3। जब दो पूर्णांक या दो संख्या अलग अलग निशान की हों, एक प्लस की और एक माइनस की हो, तो बेशक उनके बीच में प्लस का निशान हो, हम उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी में से छोटे वाली संख्या घटा देनी है, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 जाएगा 4, लेकिन निशान कौन सा आएगा, बड़े वाली संख्या, जैसे यहाँ बड़ी संख्या जमा की थी तो जमा का 4, यहाँ पे भी बड़ी संख्या जमा की है जमा का 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या जमा का 3 बड़ी घटा का 7, तो 7 में से 3 घटा दिया 4 आ गया, लेकिन निशान कौन सा आएगा, घटा का निशान आएगा घटा 4। ये संख्या माइनस का 10 है, ये जमा का 3, अलग अलग निशान की हैं, घटाएंगे 10 में से 3 जाएगा 7 बचा, और किसका, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का निशान इसके आगे आ जाएगा माइनस 7। थैंक यू।